बोलिए जी। नमस्ते। नमस्कार जी। जी मेरा नाम कृपा शंकर है। और अगर आपके पास थोड़ा समय होता है मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बताइए। ओहो कितने बदतमीज लोग हैं, कूड़ा फेंक देते हैं। सर दरअसल बात ऐसी है कि मैं जन स्वास्थ्य संस्थान में काम करता हूँ और हमारी संस्था ने आपको पूरे 5,000 रुपए नगद इनाम देने की घोषणा की है। अच्छा जी सर। किस बात का इनाम? मुझे अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो मैं अंदर चलकर आपको पूरी बात विस्तार से बताना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल आइए ना। आइए सर। जी सर। आइए बैठिए। जी बैठिए सर। अरे वाह, घर तो बड़ा ही साफ तो रखा है आपने, कहीं मिट्टी का नाम निशान भी नहीं है। थैंक यू। काफी सफाई पसंद आदमी लगते हैं आप। सर सफाई किसे पसंद नहीं है, सफाई हर इंसान पसंद करता है। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। अभी आप बाहर कुछ इनाम की बात कर रहे थे। जी हाँ सर। देखिए हमारी संस्था कुछ ऐसे व्यक्तियों की खोज कर रही है जो हमारे देश की प्रगति में निस्वार्थ भाव से अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, और आप भी उनमें से एक हैं। वैसे सुन के अच्छा लगा, मैंने ऐसा क्या किया है? अरे सर यही तो आपकी मानता है, आपको यही नहीं पता आपने किया क्या है? आप ही बता दीजिए हमने ऐसा क्या कर दिया। श्रीमान जी, जो आप जगह जगह दान करते हैं उससे हमारे देश को और पूरी सृष्टि को बहुत फायदा हो रहा है। दान? कैसा दान? अरे सर आपके महामूत्र का दान। महामूत्र का दान, ये क्या बोल रहे हैं आप? सर जो आप जगह जगह रुक रुक कर कहीं पर भी आप मूत्र रहते हो, मैं उस दान की बात कर रहा हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं, आपको पता है आप क्या बोल रहे हैं? मजाक नहीं है सर, 100% सच बात है। आपकी इस मूत्र दान से हमारी धरती की मिट्टी और उपजाऊ हो रही है, दीवारें और मजबूत हो रही है और सारा वातावरण महक उठा है। क्या बकवास कर रहे हो, अभी निकलो मेरे घर से। क्या हुआ सर, जोर की लगी क्या? क्या जोर से लगी, मैं अभी कह रहा हूँ अभी निकलो मेरे घर से। जा रहे सर जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपको। क्या? जब ये घर इतना साफ रख सकते हो तो ये देश क्यों नहीं। नमस्ते।